छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बाहर राज्यों से आए हुए लोगों को 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रखा हुआ है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्वारंटाइन सेंटर में फल का वितरण किया। क्वारंटाइन सेंटर के प्रभारी रामलाल देवांगन बताते हैं कि वहां ठहरे हुए लोगों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। उनके सुरक्षा पूर्वक रहने के साथ साथ नहाने के पानी, खाना आदि सभी व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही उन्हें लोगों से दूरियां बनाकर रहने की हिदायत भी दी गई है। उनके लिए मास्क, हैंड सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। वहीं बनारस से आकर ठहरी हुई कॉलेज की प्रोफेसर विजय लक्ष्मी बताती हैं कि उन्हें भी क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिनों तक रखा गया था, जिसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। पूरी स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, सभी लोग मास्क का उपयोग करते हैं, बड़ी सावधानी पूर्वक देखभाल की जाती है। वो आज शपथ पत्र के साथ अपनी 14 दिन की आइसोलेशन अवधि पूरा कर आज डिस्चार्ज होकर घर जा रही हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां ठहरे हुए लोगों को फल वितरण किया गया। इसी दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष बृजमोहन देवांगन, प्रदेश अध्यक्ष गौतम एस गोलछा, युवा मोर्चा अध्यक्ष बाबू झा, शहर मंडल अध्यक्ष व प्रभु देवांगन आदि मौजूद रहे। नारायणपुर से संवाददाता गेंदलाल मरकाम की रिपोर्ट। आज जो आप क्वारंटाइन में सामग्री छोड़े, किस पर्पस यानी क्या है उसका उद्देश्य? हम लोग प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे हर क्वारंटाइन सेंटर पर हमारे जो अंदर हमारे बाहर से आए प्रवासी मजदूर या जो मरीज लोग हैं, अन्य लोग हैं, उनको नाश्ता के रूप में, कुछ खाद्यान्न के रूप में बिस्किट, फल वितरण कार्यक्रम में गए थे और हमने उससे पर उन्हें सुपुर्द किया। और ये जो है हमारे प्रदेश नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का आह्वान था, उसे आज हमने पूर्ण किया। क्या नाम है आपका? मैं विजय लक्ष्मी बोल रही हूँ। मैं बनारस से 6 तारीख को यहाँ पे पहुँची थी अनुमति लेकर के। तब से मैं 6 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक यहीं पर हूँ, क्वारंटाइन यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में थी। और 20 तारीख को आज मुझे 19 तारीख को कम्प्लीट होने थे, आज 20 तारीख मुझे छोड़ा जा रहा है। 14 दिन की हूँ क्वारंटाइन के शपथ पत्र के साथ में, और मैं 14 दिन तक आपको शपथ यहाँ पर ही हूँ क्वारंटाइन रहूँगी। और उसके साथ ही यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ रही वो अच्छी थी, स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, लोग एक दूसरे से ना मिले इस बात का ध्यान दिया जा रहा है, सभी लोग ग्रामीण स्तर के भी जो मजदूर लोग आ रहे हैं वो भी मास्क लगा रहे हैं, या जो गमछा है उनके पास में, या जो दुपट्टा है उसका उपयोग कर रहे हैं। और ध्यान रखा जा रहा है कि लोग एक दूसरे से मिलें जुले ना, बाहर घूमें ना और एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना आए। आपके यहाँ किसी चीज़ की परेशानी तो नहीं हुई? सर, यहाँ शासन तरफ से आपको क्या क्या सुविधा दी गई है? शासन की तरफ से यहाँ खाना बनाने के लिए रूम है और टीचरों को लगाया गया है, पुलिस बंदा रहते हैं, और जो सैनिटाइजर है तो उसके बाद बच्चों को जो मास्क लगाते हैं, वो सारी सुविधा उपलब्ध करा दी। अभी आपके पास में कितने बच्चे आए हैं यहाँ पर? अभी पूरा 50 था, उसमें से 15 लोग जो हमारे छत्तीसगढ़ से आए थे उनको छोड़ दिया गया है, और अभी वर्तमान 35 हैं जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर शासकीय बुनियादी विद्यालय शिक्षा परिसर में वर्तमान में। बच्चे संतुष्ट हैं यहाँ पर, यानी जो रह रहे हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? नहीं, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं, हम लोग पूछते हैं उनको कोई परेशानी तो नहीं है, तो बोलते कि नहीं पानी की व्यवस्था ठीक है, खाना और नाश्ता भी सही समय पर मिलता है, बोलकर हम लोग संतुष्ट हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.